नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बालमुकुंद गुप्त का शिव शंभु का चिट्ठा से विदाई संभाषण। विषय है लॉर्ड कर्जन, जो भारत के वायसराय रह चुके हैं, दो बार जो चुने गए। पहली बार का अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद, दूसरी बार जब वे भारत के वायसराय बन करके आए, तब उसके बाद उन्हें किस प्रकार इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया, और जब यहाँ से जाने लगे तब उस विदाई के अवसर को लेखक ने बड़े प्रभावशाली तरीके से, बड़े व्यंग्यात्मक शैली में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भारतीयों की दुर्दशाग्रस्त स्थिति हो गई थी, किस प्रकार उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय संसाधनों का, भारतीय संपत्ति का उपयोग किया था, और भारतीयों की स्थिति जो थी वो अत्यधिक दयनीय हो गई थी। किंतु फिर भी उनके जाने के समय सभी भारतीय उनसे मुक्ति पाना चाहते थे, हृदय में प्रभु से यही प्रार्थना करते थे दिन रात कि जल्दी ही इनसे छुटकारा मिले। और ऐसा हुआ भी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा एक साल का कार्यकाल पूरा करते ही, और इस्तीफ़ा स्वीकार भी हो जाता है। किंतु फिर भी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शत्रु भी यदि विदाई ले रहा हो तो उसके प्रति भी हृदय में ग्लानी की भावना, दुख की भावना उत्पन्न होने लगती है। ऐसा ही कुछ लेखक कहते हैं यहाँ इस पाठ के माध्यम से। बहुत सुंदर और प्रभावशाली तरीके से लेखक ने लिखा है, तो देखिए आइए अब हम बात करते हैं आगे। लेखक क्या कहते हैं कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। कैसे पता चला लेखक को कि जिस लॉर्ड कर्जन के जाने की दुआएं दिन रात हम भारतीय करते थे, हम सबको आपके जाने पर खुशी होनी चाहिए, किंतु फिर भी हमें दुख हो रहा है, हृदय पवित्रता से भर गया है, हृदय में सारे बैर भाव जो है वो छूट गए हैं, यानी कि खत्म हो गए हैं, और बिल्कुल उनका जाना यहाँ किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि दुख हो रहा है उनके जाने का। फिर लेखक कहते हैं माय लॉर्ड का देश देखने का। माय लॉर्ड किसके लिए है यह संबोधन? लॉर्ड कर्जन के लिए। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को, दीन यानी गरीब, दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, यानी कि इस जन्म में तो कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ आपका देश देखने का, तो इसीलिए नहीं पता, इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, क्या भाव होता है, इनकी कैसी भावना होती है, उन्हें कैसा महसूस होता है, उन्हें कैसा लगता है जब किसी से बिछड़ने का समय होता है, तब तो वहाँ क्या होता है ये तो नहीं पता, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। किंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी बिछड़ते समय उदास देखे गए हैं। और लेखक इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं, दो गायों का, जिसमें एक गाय जो है वो बहुत सीधी है और दूसरी गाय जो है वह बहुत बदमाश है, जो अपने सींगों से सदैव उस सीधी वाली गाय को परेशान करती है। किंतु जब दोनों गाय अलग होती है तब क्या होता है, देखें लेखक ने उस बात को प्रमाणित किया है कि आपके देश में बिछुड़ते समय कैसे भाव रहते होंगे उसका तो नहीं अनुमान है, किंतु इस देश के अंदर पशु पक्षियों को भी बिछुड़ते समय उदास देखा गया है, उसका प्रमाण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। तो कहते हैं लेखक कि एक बार शिव शंभू की दो गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी, बहुत अधिक शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। जो शक्तिशाली गाय थी वह कमज़ोर गाय को अपने सींगों की टक्कर मार करके उस कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे दी गई। कौन सी गाय? टक्कर मारने वाली, यानी जो शक्तिशाली गाय थी वह। फिर देखो क्या होता है, देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। जो कमज़ोर गाय थी उसे तो उसके जाने से प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि अब उसे कोई टक्कर नहीं मारेगा, अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा, वरंच यानी कि फिर भी दुर्बल गाय उसके जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच यानी कि बल्कि
मतलब उसकी जाने से परेशान नहीं हुई, बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, यानी कि उसने दिन भर चारा छुआ तक नहीं। तो क्या क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो दुखी थी उसके जाने से। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। माय लॉर्ड, वायसराय लॉर्ड कर्जन से कहा गया है लेखक के द्वारा कि माय लॉर्ड, आप देख सकते हैं कि जिस देश के पशु पक्षियों की जानवरों की यह दुर्दशा होती है बिछुड़ते समय, तो उस देश के मनुष्यों की क्या दशा होती होगी। ये किसके लिए कहा जा रहा है? लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और शक्तिशाली और कमज़ोर गाय का उदाहरण देकर के ये बात बताई है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो कितने अत्याचार करते थे इस देश की जनता पर, किंतु फिर भी आज उसके जाते समय हम लोग जो है वो दुखी हो रहे हैं, कि हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है उनके जाने से। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा, यानी कि इससे पहले भी इस देश में बड़े बड़े शासक आए किंतु सबको जाना पड़ा यहाँ से। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, यानी कि परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो आपको जाना पड़ रहा, ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो परंपरा रही है। जो भी बड़े बड़े शासक आए हैं, जब आए थे तब शक्तिशाली रूप से अपना शासन यहाँ कायम किया था, लोगों पर अत्याचार किए थे, उनका शोषण किया था, किंतु एक दिन उन सबका अंत हुआ यहाँ से। तो उसी परंपरा से आज आपका भी वही समय आ गया है, अंतिम समय। हाँ, तो लेखक कहते हैं कि इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। यानी कि परंपरा की चाल से देखा जाए तो आपका यहाँ से जाना कुछ नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके शासनकाल रूपी नाटक का जो दुखांत है, जो एंड है, वह दुख से भरा हुआ है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार यानी कि जो स्वयं देख रहा है, जो व्यवस्था संभाल रहा है, जो नियामक है, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, यानी कि जिसने ये सोचा था कि मैं आजीवन सुखपूर्वक यहाँ राज्य करूँगा, लोगों का शोषण करूँगा, अत्याचार करूँगा, और इस प्रकार मेरे शासन का अंत भी सुखपूर्ण होगा, ये समझकर कि जिसने ये खेल खेलना प्रारंभ किया था, वो स्वयं भी नहीं जानता था कि इसका अंत इतना दुखपूर्ण हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, जब वायसराय बनकर भारत आए तब सुख ही सुख था उनके जीवन में, मध्य में सीमा से बाहर सुख था और बीच में तो असीमित सुख था, यानी सुख की कोई सीमा ही नहीं थी, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। लेखक कहते हैं फिर ऐसे खेल का जिसकी शुरुआत जो थी वो सुखपूर्ण थी, जिसका मध्य जो था वो अत्यधिक सुखपूर्ण था, यानी सीमा से बाहर सुख था, तो उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ, यानी कि फिर उसका जो अंत है वो इतना दुखपूर्ण कैसे हो सकता है, क्या हो गया ऐसा। यानी कि देखें क्या बताना चाहते हैं लेखक, कि जब वायसराय लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बनकर आए थे, तब यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया था, और जो यहाँ पर जो उनके शासन की शुरुआत हुई थी तब उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई थी, और उनका शासनकाल का जो बीच का समय था तब वो सीमा से बाहर सुख था उसके जीवन में, किंतु उसका अंत जो हुआ वो इतना दुखपूर्ण हो गया, जिसका वो खुद को पता नहीं था। पता कैसे नहीं था? क्योंकि वायसराय लॉर्ड कर्जन काउंसिल में अपनी मनपसंद का सदस्य नियुक्त करवाना चाहते थे, और उन्होंने नाटक खेला कि उन्होंने धमकी दी इस्तीफे की कि भाई यदि मेरी पसंद का सदस्य काउंसिल में नहीं रखा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। तो उन्हें लगा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, शायद उन्हें ये लगा कि मेरा यहाँ होना बहुत आवश्यक है, तो इस प्रकार उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी। किंतु क्या हुआ, किंतु उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। वायसराय लॉर्ड कर्जन खुद ये कभी नहीं सोच रहे थे, मतलब उन्होंने खुद कभी नहीं सोचा था कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, बल्कि उन्होंने तो ये सोचा था कि इस्तीफे की धमकी को देखते हुए मेरी जिद को मान लिया जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं।
तो ये दुखपूर्ण अंत था उनके इस नाटक का कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और आखिरकार उनको भारत से जाना पड़ा, भारत को छोड़ के जाना पड़ा। हाँ, फिर देखें उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। घमंडी खिलाड़ी जो होता है वो उसको लगता है कि भाई सब मुझे देख रहे हैं, मेरे खेल को देख रहे हैं, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। लीलामय का आशय होता है नाटकीय। तो लेखक क्या कहते हैं, किंतु जो पर्दा है, पर्दे के पीछे यानी कि अदृश्य रूप में यानी कि ईश्वर एक ऐसा नाटककार है जिसकी लीला किसी को दिखाई नहीं देती। हाँ, पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, या उसे खबर नहीं, उस खिलाड़ी को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाटककार बैठा है जो अपनी लीला रच रहा है, उसकी खबर किसी को भी नहीं है। इस बार मुंबई, वर्तमान में क्या बोलते हैं, इस बार बम्बई या बम्बई लिखा है, वर्तमान में उसे मुंबई बोला जाता है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, यानी कि दोबारा वायसराय बनकर आए थे, तब जो आपने मंसूबे पाले हुए थे कि किस प्रकार यहाँ शासन व्यवस्था चलानी है, किस प्रकार लोगों को दुखी करना है, उन पर अत्याचार करना है, उनके साथ अन्याय करना है, उनका कैसे शोषण करना है, ये सब कुछ आपने सोच लिया था। ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए, यानी कि जो इरादे जाहिर किए थे कि मैं देश की जनता के लिए ये करूँगा वो करूँगा जब दोबारा वायसराय बन करके आए थे तब, तो एक बार गौर फरमाइए। बालमुकुंद गुप्त कहते हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन को कि एक बार ज़रा ध्यान दीजिए कि उनमें से कौन कौन से पूरे हो पाए हैं। हाँ, तो आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा, बड़ी व्यंग्यात्मक शैली है बच्चों, ध्यान देना। क्या कहा था आपने, क्या इरादे जाहिर किए थे कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना अपना शासनकाल पूरा करके, तब मैं भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा, ये ऐसा कर जाऊँगा, मैं लेखक तो व्यंग्य कर रहे हैं, ऐसा कर जाऊँगा मतलब उसकी स्थिति बहुत अधिक ख़राब कर जाऊँगा, यहाँ पर ये लेखक ये ले रहे हैं, भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को, बड़े लाट यानी बड़े अफसरों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, यानी कि वे कुछ भी करके भारत की स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, यानी कि उनके पास, यानी कि इस देश में मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा कि वो और कुछ शोषण कर सके, ऐसी स्थिति नहीं छोड़ूंगा। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, यानी कि आपने जो इरादे जाहिर किए थे वो पूरे कर नहीं पाए, आप खुद बेचैन हो रहे हैं, यानी कि आपको इस्तीफा देकर के यहाँ से जाना पड़ रहा है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा, यानी कि आप इस देश में जो अव्यवस्था करके जा रहे हैं उस अव्यवस्था को सुधारने के लिए भविष्य में आने वाले जो वायसराय और अन्य जो अफसर होंगे उनको न जाने कितने समय तक अपनी भूख और चैन हराम करना पड़ेगा, नींद हराम करनी पड़ेगी, यानी उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए जो तुम फैला करके जा रहे हो। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखना यानी कि खुद मुसीबत मोल लेना, खुद के जीवन में समस्या उत्पन्न करना, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। गर्म तवे पर पानी की बूंद जैसे ही गिरती है सूख जाती है, तवा उसे सोख लेता है, तो आपने भी भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, यानी कि उनका खूब शोषण किया है, उनका अत्याचार किया है, उन पर उनके साथ अन्याय किया है, आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, यानी कि शोषण कर करके आप खुद तो कभी खुश हुए ही नहीं, सुखी हुए नहीं, संतुष्ट हुए नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का भी आपने इतना शोषण किया है कि वे भी कभी सुख से नहीं रह सके। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है, इस बात से लोग बहुत दुखी है आपसे। हाँ, तो फिर लेखक कहते हैं विचारिए तो, एक बार आप सोच कर तो देखिए क्या शान आपकी इस देश में थी, यानी कि क्या रुतबा था आपका, क्या यश था, क्या सम्मान था, और अब क्या हो गई, और अब कैसी स्थिति हो गई आपकी अपनी करतूतों के कारण,
कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, यानी कि आपने बहुत कीर्ति अर्जित की यहाँ रहते हुए, अपना पद बहुत ऊंचा उठाया, अपना कद ऊंचा उठाया, और कितने नीचे गिर गए, यानी कि आप लोगों की नज़रों से गिर गए, आप अपने पद से भी उतर गए। अलिफ लैला के अल हदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। यानी कि अलिफ लैला का अल हदीन जो है उसने वो चिराग रगड़ करके जादू करता था, और अबुल हसन जो थे वो बगदाद के खलीफा की गद्दी पर, यानी कि आंख खोलते ही उनको बगदाद का खलीफा पद मिल गया, तो इस कारण उनको जो शान मिली थी उससे कहीं अधिक शान शौकत आपको दिल्ली के दरबार में आपको मिली है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, यानी कि आप और आपकी श्रीमती जी की जो कुर्सी थी, जो आसन था, वो स्वर्ण निर्मित था, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे, यानी कि यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनका जो कद था वो आपसे नीचे था, यानी कि आपको यहाँ के स्थानीय राजा से भी, बादशाह से भी आपको अधिक सम्मान प्राप्त था यहाँ। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे, इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे, यानी कि हमारे बादशाह के भाई का सम्मान आपसे भी बाद में हुआ, यानी कि इतना सम्मान आपका यहाँ इस देश के लोगों ने किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, हौदा चंवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, यानी कि सबसे पहला दर्जा भगवान का, दूसरा दर्जा महाराज एडवर्ड का, और उसके बाद जो तीसरा स्थान था वह वायसराय का ही था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, यानी कि आप मात खा गए, हार गए, आप उस संघर्षशाली उस बादशाह के मुकाबले में आप हार गए, सिर के बल नीचे आ रहे, यानी कि बिल्कुल मात खा ली आपने। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, यानी कि आपके देश में आप जो जंगी लाट थे, जो संघर्षशील जो लाट साहब थे, वो ऊंचे माने गए, यानी कि उनको अधिक सम्मान दिया गया, उनको अधिक वहाँ माना गया, और आपको साफ नीचा देखना पड़ा। नीचा देखना पड़ा मतलब आपकी जिद पूरी नहीं हुई, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके, यानी कि आपको पद त्याग देने की धमकी भी देनी पड़ी, किंतु फिर भी आपकी बात का सम्मान नहीं किया गया जितना वहाँ आपके अपने देश में जो लाट है, वहाँ के जो अधिकारी है, जो अफसर है, उनकी बात को इतनी आसानी से मान लिया जाता है और आपकी बात को नहीं माना गया। कि एक मामूली सा आदमी आपकी पसंद का काउंसिल में रखने के लिए आपको इस्तीफे तक की धमकी देनी पड़ी, किंतु फिर भी आपको नीचे देखना पड़ा, धमकी से भी आप ऊँचे नहीं हो सके, यानी कि अपना मान सम्मान बनाए नहीं रख सके, इतना आपको अपमानित होना पड़ा और अपमानित होकर के आपको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।